नहीं तो अभी जैसे चुनाव आ गया तो नेता तो आ रहे हैं सब? कल भी ओके गया, कल भी ओके गया आशीष पाल। अच्छा आज भी आया आशीष पाल। आप लोगों को पता है चुनाव क्यों होता है? चुनाव क्यों? 5 साल बाद। एक सेकंड भाई पूछने दो। 5 साल बाद फिर दूसरा चुनाव आ जाएगा भाई, और क्या? क्यों होता, क्यों है आपको पता है? मेरे को तो नहीं पता जी इतना क्यों होता है, क्यों होता है मतलब क्या पता क्यों होता है। नहीं। सरकार बदलने, अच्छा सरकार बदलने से होता है हाँ। चुनाव अच्छा अच्छा अच्छी सरकार आ जाए दोबारा भाई, अच्छा चुनाव चल जाए बढ़िया ऐसे हो जाए। और अभी आपको पता है कौन प्रधानमंत्री है? अब तो मोदी है जी। अच्छा और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अमित सैनी सिंह जी। बिल तू बोले उसको बुलाओ, बोलो बिल्ली को। मुख्यमंत्री अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा माया देवी जी। क्या करती हैं आप? आप नरमा चुकते हैं जी, गरीब आदमी है। नरमा क्या होता है? ये नरमा ही होता है, कपास होती है जी। कपास हाँ चुकते हैं आप? हाँ चुकते हैं जी। अच्छा गरीब आदमी है जी, कपास चुक लेते हैं, दिहाड़ी दप्पा कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं जी। कितना पैसा मिलता है? मिलता है क्या जी, आप अब तो ठेके में जी 200 का भी चुक लेते हैं, 300 का भी चुक लेते हैं, हर मजदूरी कोई 400 भी दे देता है, कोई 450 भी दे देता है, कोई 400। एक खेत में जैसे सब लोग जाते हैं तो वहाँ से वो कपास निकालते हैं? हाँ कपास निकालते हैं जी। अच्छा कपास चुगते हैं। तो ये हम लोग कौन सी जगह पे हैं अभी? ये कौन नातू सरिया चोपटा। नातू सरिया चोपटा चोपटा हाँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है, और हम आप जानते हैं कि हम थोड़ा गाँव देहात में ज़्यादा घूमते हैं, तो हम एक गाँव की तरफ से आ रहे थे तो कुछ महिलाएँ मिल गई, कुछ पुरुष भी हैं। हमने सोचा कि बात करते चलें इनसे, समझें इनके लिए लोकतंत्र क्या है। जो चुनाव होता है वो अंतिम आदमी के नेता दावा करते हैं कि हम अंत्योदय और अंतिम आदमी तक पहुंचेंगे, इन लोगों तक क्या कुछ पहुंचता है, ये लोग लोकतंत्र को किस नज़र से देखते हैं, हमने सोचा कि बात कर ली जाए। आप दीदी आप आपका क्या नाम है? गीता। गीता आप भी यही करती हैं? हाँ यही करती हूं। तो इसे खेत में जा करके करना पड़ता है? कपास चुगते हैं। कपास अच्छा। कपास चुग के घर जाते हैं। तो ये सब आपके साथ के लोग हैं क्या? ये इतने सब गाड़ी में कहाँ जाते हैं? एक ट्रेली आगे गई भर के। सब लोग? हाँ सब लोग। तो अब आप लोग जा रहे हो क्या इसी से? इसमें जा रहे हैं, इसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ इसी का इंतजार कर रहे थे जी। अच्छा अब जाएंगे जी, शाम को पहुँच जाएंगे 5:30 बजे 6 बजे घर पर। अच्छा हाँ इसी की इंतजार कर रहे हैं। तो पूरा दिन आप लोग करते हो? पूरे दिन करते हैं। आप भी करते हो ये काम? जी जी। ये पूरा शर्ट वर्ट आपके वो क्या लगा हुआ है ये सारा? ये कपास का वो लगा हुआ है। अच्छा पत्ती लगी हुई। ये इतने सारे लोग, बच्चे औरतें सब आती हैं? हाँ जी हाँ। ये सारी कपास उगते हैं, मजदूर आदमी है जी, क्या करें। तो बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सभी, ये छुट्टी होती तभी लेके आते हैं। संडे था छुट्टी है तो भी ले गए हैं। तो कहाँ गए थे आप इनको लेकर? अब यहाँ पे कपास चुग के आए हैं। अच्छा यहाँ मैंने एक महिला के हाथ में देखा कि राजस्थान का भी झोला था। हाँ। वो तो ऐसे है क्योंकि हम काम धंधा करते हैं, जहाँ से मिल जाता है रोटी डालने के लिए ले आते हैं। ठीक है तो ये कितने लोग हैं आप लोग? ये पूरा परिवार है क्या आप लोगों का? सारा परिवार ही है मेरे साथ बताऊँ मैं सभी। अच्छा कौन से गांव से हो आप लोग? सुचान कोटली से। सुचान कोटली जी। तो ये बताइए जैसे अभी आप लोग आ रहे हैं तो सबको कैश पैसा मिलता है या फिर ठेके पे होता है? नहीं जी कैश मिलता है। रोज का रोज? हाँ जी डेली बेस। रोज कमाओ रोज खाओ? हाँ। कितना हो जाता है कमाई? ये 300-350 रुपए दिहाड़ी बनती है। तो बच्चों को पढ़ाते नहीं आप लोग? पढ़ाते हैं सबको, आज संडे है सभी को, आज तभी ले रखे हैं ये। अच्छा ठीक है जी। और ना तो ये सभी घर पे ही रहते हैं बच्चे। अच्छा ये जैसे देखिए ये इन्होंने देखिए राजस्थान में जो अशोक गहलोत सरकार में झोला मिलता था वो ले रखा है इन्होंने। ये झोला पता है कैसे है, बाहर हम काम करने के लिए जाते हैं मजदूरी करने के लिए, अब रोटी सब्जी डालने के लिए कुछ साधन के लिए ले लेते हैं। अच्छा ठीक है अभी आपके पास है, आपने बोल दिया भाई ये झोला ले जाओ तो तुम्हारे काम आ जाएगा तो ले लेते हैं। अच्छा भाई जैसे अब चुनाव आ गया है तो आप लोग क्या समझते हैं चुनाव क्यों होता है? चुनाव क्यों होता है? चुनाव ऐसे तो भी नई सरकार बने बढ़िया बने ठीक है पर हम तो वोट सारे बीजेपी को डालेंगे। अच्छा क्या वजह है? वजह ऐसे है हमारे को अच्छा रोजगार है, हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पहले मिल नहीं रही थी, पैसे होते नहीं थे हमारे पास, अब है मतलब सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा तो अब ये तो आप ज़्यादातर लोग आपके यहाँ मजदूरी करते हैं? हाँ जी मजदूरी करते हैं, सभी गाँव के जितने भी हैं सभी मजदूरी करते हैं हमारे गाँव में।
बहुत ज्यादा लोग बिठा रखे हैं इसमें, लग चोट वोट नहीं लगती है? आराम से जाते हैं जी, 20-30 की स्पीड पे। अच्छा, यहाँ से 20 किलोमीटर ही हमारा गाँव है चौन कोटली। अच्छा, तो कौन सा हल्का लगता है आपका? सिरसा कालावाड़ी। हाँ जी। पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा? पढ़ाई लिखाई तो नहीं है जी, अभी तो नहीं करी जी पढ़ाई लिखाई। अब तो बच्चे सारे पढ़ा रहे हैं जी, पहले तो कोई नहीं पढ़ाए थे। अब तो पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले तो इतना ज्ञान भी नहीं था जितना ही ज्ञान है। अब तो पढ़ाई की सोच रहे हैं, बच्चा कामयाब हो जा, अरे कोई यही सोचता है। ये सारे बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं जी। पहले आपकी तो जिंदगी हमारी खराब थी, अब बच्चों को तो बहुत सुधार रहे हैं। क्या करें जी, मजदूरी तो करनी पड़ेगी। तो इसे चुनाव उनाव में आते हैं नेता उता वोट मांगने, तो क्या कहते हैं वो लोग? क्या कहते हैं जी, ये करते हैं बात। हमारे तो जनानी तो कोई जाती नहीं है। वोट डालने नहीं जाते? वोट डालने तो जाते हैं, वो तो हमारा फर्ज है जी। तो अपने से देते हैं या फिर घर वाले कहने पे? ना, आपकी मर्जी से देते हैं घर वाले। घर वाला क्या करेगा, आपकी मर्जी से देना है जी। घर वाला तो कहेगा माँ गेर दो, माँ क्या आपकी मर्जी से, खाई मर्जी गेर काम। एक साल ऐसे गेरते हैं जी परिवार के साथ, जहाँ एक साथ परिवार साथ एक साथ में गेरेगा वहीं गेरेंगे। तो नेता होता पैसे वैसे भी ऑफर करते हैं वोट के लिए? ना ना जी, आज लग तो नहीं लिया जी, पैसा पैसा मजदूरी करके खा रहे हैं। हमको नेता बेता तक गाँव बड़े आते हैं, जैसे मेरे चाचा का लड़का है, वैसे जो मेरा वोट है देखे उसे 10,000 रुपए आपको घर में खा जाता है। ऐसे ही होता है? मतलब वो आप लोगों के नाम पे ले लेते हैं पैसे? आज लग हमने तो नहीं बेचा जी। कोई बंदा खड़े कांग्रेस के जो कोई भी है वो सदस्य होगा उसका, उसके आगे कहते हैं जो मेरे परिवार है ये सारे इलेक्शन मेरे हैं वोट, उससे पेमेंट ले लेते हैं। हमारे कुछ मिलता नहीं, गिनती हमारी हो ही जाती है। और सरपंच उरपंच का भी दबाव होता है आप लोगों के? हमारे पे किसी का दबाव नहीं, हम खुद की मर्जी जीते हैं। हमने बीजेपी को वोट देना है, वोट दे रहे हैं हम कम से कम 15-20 साल से वोट बीजेपी को ही दे रहे हैं। क्यों देते हैं, क्या वजह? हमारे को जी सुलत मिल रही है सब चीज की, बच्चों की पढ़ाई, अच्छी किताबें, सारा सिस्टम हमारे को मोदी जी करने के क्यों सब चीज दे रहे हैं। राशन पहले हमारे कांग्रेस सरकार में कुछ भी नहीं था, अब हमारे को सब सहूलियतें मिल रही है, चावल है कुछ भी दे रहे हैं, सब हमारे को ठीक ठाक टाइम से मिल रहा है। तो आप लोग पारंपरिक तौर पे बीजेपी को? बीजेपी को 15-20 साल से हम बीजेपी को दे रहे हैं जी। पहले भी बीजेपी के माल थे, फिर जिस टाइम माल सरकार बने तब थोड़ी बीजेपी है। अच्छा, इधर चुनाव उनाव में जाति वाति का भी कार्ड चलता है? हमारे तो लगभग ऐसे तो नहीं है जी, कोई ऐसी कोई चांस नहीं हमारे साइड में। नहीं, जैसे कि ये होता है कि फलाने कास्ट के लोग हैं इसको वोट देते हैं इसको देते हैं, ऐसा कुछ चलता है? नहीं, हमारे कोई नहीं है। हमारे सबकी जो इस तरह वाले बीजेपी के खड़ा हो गया तो हम बीजेपी को ही देंगे, सरदार हो या कुछ भी हो, जाट हो, हमें देना है तो बीजेपी को ही देना है वोट। हम किसी को नहीं देते, कोई भी आए या ना आए। चलो ठीक है, चलिए। आप लोग दादी, आप लोग जिसे वोट देने जाते हो तो क्या देखते हो? नाम देखते हो, नेता का निशान देखते हो या क्या? निशान तो देखते हैं जी, निशान बिना थोड़ी वोट गिरते हैं। निशान देख के भी जो परिवार बड़ा कहता उस निशान पे वोट डालना, उसी पे जाके डाल देते हैं। तनख्वाह देते हैं जी, तनख्वाह मन रहा 3-3 हजार वोट तो देना ही पड़ेगा। तनख्वाह कैसी बनी? जो विधवा की भी है, बुढ़ापे वाली भी है, हैं जो राशन दे रहे हैं 5 किलो कणक दे, मिलता है? हाँ मिलता है, सबको मिलता है। सबको मिलता। घर वर आप लोग के अपने हैं या फिर? अपने हैं जी, घर वर पक्के हैं? हाँ पक्के हैं, पक्के भी हैं, कच्चे भी हैं जी। मेहनत कर कर के आपके बिचारे ने दिहाड़ी कर कर के बोली। चलिए, तो ये कुछ महिलाएं मिल गई, हमने सोचा कि इनसे थोड़ा समझा जाए। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। देखते रहे दी ललन टॉप। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। शुक्रिया।